वेलकम टू डिम्पीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की फेमस सब्जी गाजर आलू मटर की सब्जी। तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर आलू मटर की डिलीशियस सब्जी। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये 1 किलो गाजर है जो मैंने धो के वॉश करके छोटे छोटे चॉप कर रखे हैं एक से साइज में, ताकि एक साथ ये पकेंगे तो एक साथ अच्छी सब्जी बनेगी। ये 150 ग्राम मटर है। ये 7 से 8 आलू मैंने बराबर के साइज के चॉप कर रखे हैं, एक सा साइज है इनका सबका। 2 हरी मिर्च है जो मैं इसमें डालूंगी। बाकी मेरे जनरल स्पाइसेस में धनिया, मिर्च और जीरा है, हल्दी है, और मैं इसमें हींग डालूंगी और नमक। कढ़ाई मेरी गरम हो गई है, मैं इसमें 2 बड़े चमचे ऑयल डालूंगी, सरसों का तेल, क्योंकि सारी सब्जियां सरसों के तेल में अच्छी बनती हैं और हेल्दी भी रहता है। ये ऑयल मेरा परफेक्ट गरम हो चुका है, देखिए धुआं छोड़ रहा है। अच्छे से ऑयल को गरम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सारा सब्जी का टेस्ट खराब कर देता है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगी। ये क्रैक हो रहा है, इसके बाद मैं इसमें हींग डालूंगी थोड़ी सी, चुटकी भर से ज्यादा बस थोड़ी। जीरा अच्छे से पक जाए इसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी जो 7 से 8 मैंने चॉप कर रखी हैं बराबर के साइज के। जो चॉप करी थी वो डाल देते हैं, वो सब्जी के साथ ही पक जाएगी। गाजर डालते हैं हम इसमें। गाजर आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, मटर की सब्जी जाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और बहुत हेल्दी भी होती है हेल्थ के लिए। इस तरह बनाएंगे। अब हम इसमें अपनी मटर डालेंगे। मटर मेरी ढेर सारी हैं जो इसकी सब्जी को टेस्ट को बढ़ाएंगी। 1 टेबल स्पून के बराबर भर भर के धनिया डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हमेशा सब्जी में कम ही डालें, ज़्यादा सब्जी में हल्दी डालने से सब्जी कड़वी हो जाती है। और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी, मिर्च लाल। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे भर के, नीचे हिलाएंगे, चला देंगे। इसमें पानी जरा भी नहीं डालना है। गैस को मीडियम पे रहने दें। 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। उसके बाद ये 10 मिनट तक ये सब्जी पक जाएगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी सब्जी को देखती हूँ। देखिए सब्जी गलने लगी है, और इसमें आलू को मैं दबा के देखती हूँ, 1/2 गल चुका है। और देखिए मैंने इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डाला, तो ये सब्जियाँ अपना पानी थोड़ा रिलीज करती हैं, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम से थोड़ा हाई फ्लेम पर करके इनका पानी भी सुखा दें। अभी ये मैंने मीडियम फ्लेम पर रखी हुई है, और इसका खोल के मैं बना रही हूँ अब इसे, क्योंकि इसका पानी भी सूखता जाएगा। बस इसको 2-3 मिनट और लगेंगे और मेरी सब्जी पक जाएगी, रेडी हो जाएगी खाने के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने चलाया है और ये बिल्कुल पक गई है। जो सब्जियों ने पानी रिलीज किया था वो सब सूख चुका है। सब्जी मेरी एकदम परफेक्ट लाजवाब बनी है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून छोटा गरम मसाला डाल देती हूँ, और 1/2 टीस्पून इसमें मैं पकने के बाद, अब गैस को ऑफ कर देते हैं,
और हाफ टी स्पून में, टी स्पून से थोड़ा कम, मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। देखिए बिल्कुल सब्जी मेरी पक चुकी है। अब मैं इसमें कोरिएंडर डालती हूँ ढेर सारा, जो इसको और हेल्दी बनाएगा। एक बार चला देते हैं इसको। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है मेरी। इसको आप चपाती से खाएं, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको। गाजर आलू मटर की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स करिए मुझे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए।